गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? हस्तो चलो, आज हम लोग पढ़ेंगे फ्रैक्शंस एंड डेसिमल। फ्रैक्शन एंड डेसिमल, सो सिक्स सेवन एट, एट में तो नहीं, सिक्स सेवन क्लास के बच्चों को जरूर जानना चाहिए। और इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है, फ्रैक्शन कैसे हम लोग बनाएंगे, ये सब चीजों को इसमें हम लोग सीखेंगे। सबसे पहले जानिए फ्रैक्शन क्या है। अ नंबर ऑफ द फॉर्म ऑफ ए बाई बी वेयर ए एंड बी आर होल नंबर बट बी कांट बी जीरो, माने ये बी नॉट इक्वल टू जीरो नहीं होना चाहिए। कोई भी अगर नंबर ए बाई बी के रूप में है और बी जीरो के बराबर नहीं है तो वो नंबर फ्रैक्शन है। और ये ए और बी होल नंबर होना चाहिए। अगर कोई कहेगा माइनस सात बटा पांच फ्रैक्शन है तो कहना नहीं, माइनस सात होल नंबर नहीं है। कोई कहेगा सात बटा पांच है तो कहना हाँ, क्योंकि ये दोनों होल नंबर है। लेकिन यहीं पे रहता है, भाई देखो जीरो बटा पांच फ्रैक्शन है, जीरो आएगा वैल्यू, लेकिन पांच बटा जीरो तो बी तो जीरो नहीं होना चाहिए। ये अपरिभाषित हो जाएगा, लोग इन्फिनिटी बोल देते हैं, अपरिभाषित होगा, इसे निकाला नहीं जा सकता है। समझ में आया? आप इसे बिल्कुल नहीं निकाल पाओगे तो फ्रैक्शन आपने समझा। अब देखो फ्रैक्शन में जो आप लिखते हो ए बाई बी, तो ए को बोला जाता है न्यूमरेटर और नीचे बी को बोला जाता है डिनोमिनेटर, यानी अंश और हर। तो आप अंश और हर की पहचान कर लोगे। जैसे मान लो 11 बटा 3 मैंने लिखा, तो न्यूमरेटर कितना लिखोगे आप, तो कहोगे सर 11, और डिनोमिनेटर कितना लिखोगे तो कहोगे सर 3। समझ में आया? तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर समझ गया, डिनोमिनेटर। अब बारी आई टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन की। किसकी बारी आई? टाइप ऑफ फ्रैक्शन की। कैसे हम लोग टाइप ऑफ फ्रैक्शन को जानेंगे? तो मेनली जो जानना है वही जानना, प्रॉपर फ्रैक्शन। फ्रैक्शन हैविंग न्यूमरेटर इज लेस देन इट्स डिनोमिनेटर आर कॉल्ड प्रॉपर फ्रैक्शन। देखिए डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर छोटा है, डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर छोटा है। मान लीजिए ये 3/14 है, तो जो न्यूमरेटर है डिनोमिनेटर से क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। जब दिखे तो वो प्रॉपर फ्रैक्शन है, और जिसमें बड़ा दिखे न्यूमरेटर, फ्रैक्शन हैविंग न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन इट्स डिनोमिनेटर आर कॉल्ड इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो वो हो जाएगा न्यूमरेटर ग्रेटर हो जाएगा डिनोमिनेटर से, न्यूमरेटर ग्रेटर हो जाएगा डिनोमिनेटर से। आप इसे मिक्स फ्रैक्शन में बदल सकते हो, लेकिन प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स में नहीं बदल सकते हो। मिक्स फ्रैक्शन, द सेट ऑफ द होल पार्ट एंड प्रॉपर फ्रैक्शन आर कॉल्ड मिक्स फ्रैक्शन। देखो अब ये मिटाओ, देख मिक्स फ्रैक्शन कैसे लिखेगा तू सब। मान ली ये 5 होल पार्ट है, मैंने कहा होल पार्ट, उसके बाद करा प्रॉपर फ्रैक्शन 3/5, ये हुआ मिक्स फ्रैक्शन। आपको अगर कोई कहेगा 7/5 तो ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि ये पार्ट इम्प्रॉपर है, ये ऐसा संभव ही नहीं है। ये न्यूमरेटर छोटा होना चाहिए डिनोमिनेटर से जब आप मिक्स में लिखते हो। समझ में आया? अब इसे इरेज कर दूं। देख बाबू, फ्रैक्शन के टाइप समझा आप लोगों ने। एक चीज और जान लो, अगर न्यूमरेटर 1 रहे, 1/7, 1/9, 1/2, तो ये यूनिट फ्रैक्शन कहलाता है। कैसा फ्रैक्शन? यूनिट। अगर 12/5, 7/5, 8/5, अगर डिनोमिनेटर सेम रहे, ये तो यूनिट फ्रैक्शन हो गया, ये लाइक फ्रैक्शन कहलाएगा, लाइक फ्रैक्शन। ओके, आपको जनरली 3 जानना है, प्रॉपर इम्प्रॉपर और मिक्स। अब ये मैंने मिटाया, अब आओ कैसे मिक्स फ्रैक्शन में इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को बदला जाए। जैसे 17/4 है, तो हमेशा
न्यूमिरेटर को डिनोमिनेटर से भाग दिया जाता है, चाहे वो न्यूमिरेटर छोटा भी हो, तो छोटा हो तो डेसिमल होगा, लेकिन यहाँ बड़ा है तो मिक्स्ड होगा। तो जैसे देखो 17 को हमने 4 से भाग दिया, 4 चौका 16 आया, शेषफल का आया 1 आया। कितने बार टेबल पढ़े हो? 4 बार। तो कोशेंट को लिखोगे होल पार्ट में, रिमाइंडर को लिखोगे ऊपर, और डिवाइजर को नीचे लिखोगे। डिवाइजर को डिविडेंड मत समझ लेना, डिवाइजर समझ में आया? तो इसको कैसे लिखोगे? 4 पूर्णांक 1 बटा 4, ऐसे आपका हो गया 4 चौका 16 17। आईसी मिक्स को अगर यू प्रॉपर बदलना हो तो ये गुणा किया जाता है, ये जोड़ लिया जाता है, और ये बटा में लिखा जाता है। 4 चौका 16 में एक जोड़ोगे 17, और बटा में 4। तो दोनों तरीका समझ गए आप बनाने का, कैसे मिक्स में बदलिएगा और कैसे मिक्स दिया रहेगा तो इम्प्रॉपर में बदलिएगा, प्रॉपर में तो बदलेगा नहीं। अब देखिए कंपेयर ऑफ फ्रैक्शंस या एसेंडिंग डिसेंडिंग, एक ही बार में समझा देते हैं। कंपेयर मतलब तुलना करना है, जैसे 7/8 है और 6/5 है, हमें तुलना करना है दो फ्रैक्शन में। दो रहे तब तो बहुत आसान, अगर दो से अधिक रहे तब क्या करेंगे बताएंगे। देखिए बाबू इसमें इसमें गुना कर लेंगे, 7 × 5 = 35, 8 × 6 = 48। ओके, तो ये बड़ा आया, इसका मतलब कि 7/8 से बड़ा होगा 6/5। समझ में आया? तो आप लोग इसे जरूर करोगे, 11/12 और 6/7, कौन बड़ा है और कौन छोटा है। ओके, अब इसे करके देखोगे। अब चलो ये तो आप जान गए कंपेयर, अब असेंडिंग डिसेंडिंग भी जान लो। Ascending और descending कैसे? Ascending और descending तो आसानी से जान लोगे। मान लो 5/8 है, 7/4 है, 3/4 है, 11/5 है, 9/10 है। लेवल इसे हमें असेंडिंग में सजाना है या डिसेंडिंग में सजाना है, मतलब बढ़ते या घटते क्रम में सजाना है। तो सबसे पहले क्या करना है कि ये डिनोमिनेटर का आपको एलसीएम लेना है, ले यहाँ 20 कर देता है। क्या लेना है? एलसीएम लेना है। एलसीएम लेकर के डिनोमिनेटर को सेम करना है, तब न्यूमिरेटर को देखना है। तो मैं तो एलसीएम लेता नहीं हूँ, मुझे पता है ट्रिक से कि इसका 40 होना है एलसीएम। आप ले लोगे एलसीएम लेके चेक कर लोगे। ओके, तो आप एलसीएम जब ले लोगे तो ये 40 होगा, तो 8 × 5 = 40। देखो 8 × 5 = 40, तो इसमें भी 5 से गुना, इसमें 10 से गुना तब ना 40 होगा, तो इसमें भी 10 से गुना, इसमें 2 से गुना तो इसमें भी 2 से गुना, इसमें 8 से गुना तो इसमें भी 8 से गुना, क्योंकि 8 × 40 होगा, इसमें 4 से गुना तो इसमें भी 4 से गुना। क्यों किया ये गुना? 40 न्यूमरेटर लाए, 40 एलसीएम लाए, एलसीएफ सॉरी अगर एलसीएफ बोलना हो तो एलसीएम लाए, तो यहाँ भी गुना करके 40 कर दिए सबको। तो ये देखना है ऊपर क्या आया, 25 70 6 88 36। अब तो आपको बड़ा छोटा पता चल गया होगा ना, तो बड़ा हमें लिखना है बढ़ते क्रम में, तो सबसे छोटा क्रम है 3 नंबर, यानी 3/20। इससे बड़ा कौन है? ये फर्स्ट नंबर 5/8,
इससे बड़ा कौन है, दो निकल गया। अब देखिए कंपेयर कीजिए, ये लास्ट नंबर 9/10, तीन का काम कंप्लीट कर दिए, अब कौन है 7/4, उससे बड़ा कौन है 11/5। तो ऐसे असेंडिंग हो गया। अगर डिसेंडिंग में आपको लिखना होता तो आप ठीक इसको क्या कर देते, पलट देते, तो आपका डिसेंडिंग में आ जाता। समझ में आ गया? चल तो ये असेंडिंग डिसेंडिंग भी समझ गए। अब जानिए हम लोग फ्रैक्शन का सम, सब्ट्रैक्शन, एडिशन और डिवीजन कैसे करते हैं। सबसे पहला एडिशन और फ्रैक्शन। मान लो 5/8 जोड़ 3/10 जोड़ 9/4 जोड़ना है मुझे, ओके। फिर इसमें भी वही काम करना है बाबू, क्या करना है, 8, 10, 4 का एलसीएम ले लेना है। तो 40 आना है, आप ऐसे एलसीएम ले लेना ना, 8 का 10 का 4 का एलसीएम, यानी लघुतम ले लेना। 8 × 5 = 40, तो 5 × 12 = 5/25 जो 10 × 4 = 40, तो 6 × 12 जो 4 × 10 = 40, 9 × 10 = 9। समझ में आया? अब क्या करेंगे, जोड़ के लिख देंगे, 5 × 2 = 7 = 0, तो ये 7 हो गया, 9 × 10 = 12, अब बटा में 40। अगर ये किसी सेम संख्या से कटता तो काटेंगे, सिंपलेस्ट करके लिखेंगे, आ नहीं तो वैसे ही छोड़ देंगे। एक चीज और देख लीजिए, अगर a/b का HCF 1 हो तो वह स्टैंडर्ड फॉर्म में है, स्टैंडर्ड फॉर्म में है, आ नहीं तो आप उसको सिंपलेस्ट कर लो। तो एडिशन सीख गए, ऐड सीख गए। अगर यहीं पे रहता 9/4 अब माइनस 3/5, क्या करते, देखिए इसमें भी एलसीएम ही लेना है, तो 40 होना है, 8 × 40 तो 50 × 25, 4 × 10 = 40, 9 × 10 = 90, माइनस 5 × 40 = 38, ये जरूर देखना है कि फ्रैक्शन में माइनस मेंशन नहीं आना चाहिए, क्योंकि फ्रैक्शन आप बना रहे हो और माइनस ला रहे हो और वो होल नंबर होता है फ्रैक्शन, तो आपने माइनस ला कैसे दिया। अब देखो इन दोनों को जोड़ेंगे जब तो 115, मान लीजिए 5 में 0 जुटा 5, 5 में 4 निकल गया तो कितना बचेगा 1, 9 × 2 = 11 में से 2 निकल गया, 11 में से 2 निकल गया 9, अब बटा में 40। कट रहा है किसी से, नहीं कट रहा है, आपका आंसर हो गया। तो सब्ट्रैक्शन और एडिशन आपने सीखा, मल्टीप्लिकेशन देखिए इसमें क्या किया जाएगा, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई, इसमें एलसीएम नहीं लिया जाता है। 5 × 3 = 15 और 8 × 7 = 56, आप ऐसे बना दोगे, चाहे कितना भी टर्म होगा गुना ही करोगे। आप पे करना ना, आप यहाँ लो 7/8 × 7/9 × 7/10, अब गुना करना ना, समझ गए। अब देखिए आपने एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन सीखा, अब डिवीजन सीखिए। डिवीजन में बहुत मजा है, इसमें क्या किया जाता है, डिवाइड करना है 8/6 × 3/8 से, मान लो इसे डिवाइड करना है, तो इसमें करेंगे क्या बाबू हम लोग, ये लेफ्ट वाला जो है इसको जैसे एज इट इज लिख लेंगे, मल्टीप्लाई का सिंबल देंगे और ये 8 ऊपर लेके चले जाएंगे और 3 को नीचे ला देंगे, 8 से 8 कट गया, कटेगा तो काटेंगे, नहीं तो गुणा कर देंगे, तो
पांच बटा तीन क्यों ले गया गया बता रहा हूँ, 5/8 भाग देना था आपको 3/8 से, चौथा प्लेस फर्स्ट प्लेस पे जाता है और दूसरा प्लेस ये सेकंड प्लेस पे जाता है, इसीलिए हम लोग गुणा में इसको पलट के लिखते हैं। तो मुझे विश्वास है कि आप लोग ये सीख गए होंगे। तो ये चेंज इनटू मिक्स फ्रैक्शन में बदलिएगा क्वेश्चन को, और कैसे कैसे बदलिएगा 17/5 को, दूसरा 11/3 को, तीसरा 124/5 को। आप इन तीनों को मिक्स फ्रैक्शन में बदल के मेरे कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिएगा और इसका नोट्स बना लीजिएगा ताकि आपको कोई परेशानी ना हो। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में राहुल सर एंड के राहुल ट्रिक में, और आप मेरे चैनल से जुड़े और पढ़ाई का आनंद लें। तो बाय माय फ्रेंड्स।